अपने आप को कथा कथित दलितों के बिहार में मठाधीश समझने वाले अब तक धृतराष्ट्र क्यों बन बैठे हैं मणिपुर की घटना पर, कि मणिपुर में जिस तरह हजारों दलितों के घर जला दिए गए, आदिवासियों के घर जला दिए गए, अभी तक देश का प्रधानमंत्री जी वहां गरीबों का आंसू पोंछने क्यों नहीं गए, और बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है तो वहां धृतराष्ट्र क्यों नहीं जाते। मैं तो चिराग जी से मैं कह रहा हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री जी से आप कहिए ना कि जातीय जनगणना पूरे देश स्तर पर होना चाहिए, आप करवा लो। कौन रोक रहा है भाई, इनको आंख में लाजो है चिराग जी को। पिता का इंतकाल के एक दिन भी नहीं हुआ और उसके सामने में ये फोटो शूट करवा रहे थे, फोटो वायरल भी हुआ, तो ये आदमी नौटंकीबाज है। बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और जो व्यक्ति आज आरोप लगा रहे हैं घोटाला का या जातीय जनगणना पर जो आरोप लगा रहे हैं वो मुद्दा को भटका रहे हैं। नमस्कार, मैं फरीद अफसर, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, जातीय जनगणना का जो डाटा है वो आ चुका है, बहुत ही मुश्किल से जो है जातीय जनगणना हो चुका हुआ है, और उसका जो डाटा है उसका जो रिजल्ट है वो सार्वजनिक भी हो चुका है। ऐसे में कुछ लोग खुश है, वही कुछ लोग नाराज़ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना में जो डाटा आया है उसमें घोटाला है। अगर हम पासवान समाज की बात करें तो उसमें भी कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं घोटाला है, कुशवाहा भी बोल रहे घोटाला, तो ऐसे कई जाति है जो इसको नहीं मान रहे। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए साधु पासवान जी है जो पासवान समाज से बिलोंग करते। चलिए हम इनसे जानते हैं कि इस बात पे कितना सही है गलत, हम इनसे ही बात करते हैं। क्या कहिएगा सर, बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना में घोटाला हुआ है। देखिए, सबसे पहले बिहार में जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ गया है, मैं सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद जी को और आदरणीय परम आदरणीय लालू जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो व्यक्ति आज आरोप लगा रहे हैं घोटाला का या जातीय जनगणना पर जो आरोप लगा रहे हैं वो मुद्दा को भटका रहे हैं। बिहार की जनता बीजेपी से सवाल कर रही है कि 10 वर्षों में आपकी सरकार केंद्र में सरकार थी, अभी तक बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। देश के चौकीदार बिहारी नहीं बल्कि देश के युवाओं, करोड़ों युवाओं को 1.5 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, अभी तक नौकरी का क्या हुआ। 15 लाख रुपए हर एक खाते में, मैंने नहीं बोला था, देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, अभी तक क्या हुआ। हमारा जो अनुसूचित जाति का है मामला, केंद्र सरकार बतावे कि मणिपुर में जिस तरह हजारों दलितों के घर जला दिए गए, आदिवासियों के घर जला दिए गए, घर में आग लगा दिए गए, मारे गए, हत्याएं हुई, अभी तक देश का प्रधानमंत्री जी वहां गरीबों का आंसू पोंछने क्यों नहीं गए। अपने आप को कथा कथित दलितों के बिहार में मठाधीश समझने वाले अभी तक धृतराष्ट्र क्यों बन बैठे हैं मणिपुर की घटना पर। जिस तरह मध्य प्रदेश में वहाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है तो वहाँ धृतराष्ट्र क्यों नहीं जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं या देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब के। प्रधानमंत्री सर वो बिजी है, वो हर जगह कैसे जा सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री जी इतना लाखों हजारों दलित आदिवासी मारे गए उनके सामने वो सिर्फ विदेश दौरा में सिर्फ सूट बदल रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन नियत नीति सिद्धांत देश का चौकीदार के पास नहीं है। चिराग जी मुद्दा भटक गए हैं। चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ,
सर एक मिनट आपको डिस्टर्ब करेंगे, चिराग जी से हम मुझे याद आया कि सबसे पहले हम आपके घर से ही शुरुआत करते हैं। चिराग जी ने ट्वीट किया है कि जो जातीय जनगणना हुई है वो बिल्कुल भी सही नहीं, बहुत सारे घरों को जो है नहीं ऐड किया गया है और बिल्कुल भी जो है गलत जो डाटा पेश किया गया है लोगों के बीच में, और बहुत सारे ऐसे जातीय जो जातीय जनगणना में उनको ऐड ही नहीं किया गया है। देखिए पहले जो था ना, पहले किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था कि हमारे जाति का कितना वोट है, लोग हवा में उड़ रहे थे, कोई कह रहे थे 7%, कोई 8%, कोई 15%, जो जिसको मन में आया, और सभी लोग कह रहे थे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जाति मेरा है। अब तो दूध का दूध है, पानी का पानी हो गया, और कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेरे यहाँ नहीं आए जनगणना करने वाले। ये भाई आप तो साइबेरियन पक्षी की तरह बिहार में 4 दिन आते हो और साइबेरियन पक्षी की तरह उड़न खटोला पर फिर दिल्ली चले जाते हो, कभी लंदन चले जाते हो, कभी सऊदी अरब में घूम रहे, तो जाते जनगणना वाले गए होंगे आपके यहाँ, आप रहिएगा तब ना कि आपके दरवाजा से कोई पूछेगा। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं ये बिहार की जनता को और देश की जनता को मुद्दा से भटकाना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, इंडिया गठबंधन को सिर्फ पॉलिटिकल लाभ होगा, पब्लिक को कोई लाभ नहीं होने वाला है। सर मैं पॉलिटिकल लाभ के लिए कुछ काम नहीं करता हूँ, ये बीजेपी का संस्कार है कि पॉलिटिकल लाभ के लिए। आज पूछिए ना भाई हनुमान जी से कि 1.5 साल पहले उनके पिता का बीजेपी के लोगों ने मूर्ति तोड़ दिया, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ दिया, फेंक दिया, इनका घर खाली करवा दिया, हैं इनको आँख में लाजो है चिराग जी को कि जिसके पिता का मूर्ति फेंक दे बीजेपी के लोगों के द्वारा, हैं समा या चिराग जी खुद बोल रहे थे ना कि मैं बीजेपी का शीर्ष नेता का नाम बताऊँगा, अपने पिता को अपमान भूल गए हैं, ऐसा तो शायद हम पुत्र नहीं देखे हैं। आज वो फिल्म शूट करवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अपने पिता को पिंडदान कर रहे हैं विदेश से। कोई रिवाज है क्या ऑस्ट्रेलिया में जाके पिंडदान? पूछिए ना उनसे, लोग विदेश से लोग आते हैं यहाँ गया में फल्गु नदी के किनारे लोग पिंडदान करते हैं, लोग चले जाते हैं पुनपुन नदी में बिहार के, तो इनको बिहार में अच्छा नहीं लगा तो ये ऑस्ट्रेलिया में वो कहाँ पिंडदान कर रहे हैं बंद रूम में। पिंडदान जब भी होता है वो होता है नदी किनारे, और ये रूम में पैक होके पिंडदान कर रहे हैं। हाँ तो ये पिंडदान नहीं, ये फोटो शूट है। तो आप ये कहना चाह रहे कि ऑस्ट्रेलिया गए हैं फोटो शूट करने के लिए, जो पिंडदान कर रहे हैं वो एक नाटक है, ड्रामा है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप? 110% नाटक है। आप 2 साल का वीडियो देखे चिराग जी का, जिसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ था, अब बॉडी मात्र 1 दिन के बाद इनके घर कृष्णापुरी में, आप वो बोलिए फिट, मेरे पास वीडियो है और आप लोग के पास भी वीडियो होगा, पिता का इंतकाल के 1 दिन भी नहीं हुआ और उससे उसके सामने में ये फोटो शूट करवा रहे थे, फोटो वायरल भी हुआ, तो ये आदमी नौटंकीबाज है, बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। सर जितना जिसकी संख्या उतना उनकी भागीदारी, तो सबसे ज़्यादा यादव की संख्या सबसे ज़्यादा है, मुसलमान की संख्या सबसे ज़्यादा, तो क्या हम आगे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा भागीदारी भी उन्हीं लोगों की होगी? ये हम लोग का तो शुरू से मांग है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी बयान आ गया जो हमारे नेता हैं कि जितनी संख्या जिसकी रहेगी उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी। राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसा दल है जहां अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन है, मतलब इनके दल में अपने आरजेडी में, और कोई दल ऐसा नहीं है कि जहां रिजर्वेशन नहीं है। सर एक आरोप और आप लोग पे लगाया गया है कि आप लोग जात पात कर रहे हैं, अगर आपको करवाना था तो आप गरीबी की देख के करवाते कि लोग कितने गरीब है उसके अकॉर्डिंग, आप लोग जात देख करके, मतलब कि बिहार में और पहले ही से जात पात है, आप लोग और जात पात बढ़ाने वाले हैं?
देखिए, जहाँ तक गरीबों की बात आपका प्रश्न है, गरीबों के देखने वाला जितने भी पार्टी है, नेशनल पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, उसमें सबसे अव्वल यदि गरीबों का बात करने वाला व्यक्ति यदि कोई है इस धरती पर, तो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं। आप अपने आप पूरे पटना नहीं, पूरे बिहार घूम लीजिए, जहाँ जो दलित समाज के जो वंचित समाज हैं, जो मुख्यधारा से नहीं जुट पाए हैं, आज आदरणीय लालू जी जब मुख्यमंत्री थे, जब इनकी सरकार थी, और नाला रोड जो पौश इलाका है, जहाँ करोड़ों रुपये वहाँ स्क्वायर फीट में ज़मीन है, आज वहाँ हमारा भंगी समाज और मुसर समाज का आलीशान बिल्डिंग बना है। आप चले जाइए कंकड़बाग में, यहाँ बाईपास है, वहाँ लालू प्रसाद जी का देन है कि आज भंगी समाज के लिए, मुसर समाज के लिए आज बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिए हैं। आप चले जाइए बगल में बेली रोड में, रूपसपुर में, वहाँ चले जाइए जो पौश इलाका है, है ना, वहाँ मुसर समाज के लिए और भंगी समाज के लिए पंचतल्ला बिल्डिंग बना दिए हैं, ये किसका देन है? आप चले जाइए यारपुर में, ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है। इसलिए हमारी जो पार्टी है, हमारा जो नेता है, वो एक जाति समाज के नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है, और हमारा नेता ए टू जेड के लोगों पर विश्वास करते हैं। सर, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी, जो कि आप पासवान समाज से हैं, चिराग जी भी आपके साला हैं, तो उनको आपत्तिजनक दिखा रहे हैं जो जातीय जनगणना है, आप नहीं दिखा रहे कि आप आरजेडी से जुड़े हुए, इसीलिए आप नहीं दिखा रहे हैं? मैं तो और पूरे क्या लगता है, देश में जातीय जनगणना होना चाहिए कि केंद्र सरकार कराएगी, अगर उनको लग रहा है कि जातीय जनगणना का जो डाटा है वो गलत है तो? मैं तो कह रहा हूँ ना कि चिराग जी विपक्ष में हैं, तो विपक्ष का क्या काम होता है, मुद्दा की बात तो करेंगे नहीं। मैं तो चिराग जी से मैं कह रहा हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री जी से आप कहिए ना कि जातीय जनगणना पूरे देश स्तर पर होना चाहिए, आप करवा लो, कौन रोक रहा है भाई, कौन रोक रहा है चिराग जी को, करवा लें, दे सरकार उनकी है केंद्र में, करवा लें भाई। तो साफ तौर पे सुनने कि साधु पासवान जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर जिन लोगों को लगता है कि जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है गलत है, तो आप पूरे केंद्र में करा के देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही इन्होंने चिराग पासवान यानी अपने साला पर भी निशाना साधे है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ, मैं फरहत अफसा पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।